नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना महामारी के दौर में महाराष्ट्र के नागपुर के निवासी प्यारे खान उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। संतरे बेचने से शुरुआत कर ऑटो रिक्शा तक चला चुके प्यारे खान अब एक बड़े ट्रांसपोर्टर है। संकट की इस घड़ी में वह एक हफ्ते में खर्च कर चुके हैं, जिसमें 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंच चुका है। रमजान में ऑक्सीजन जकात नहीं ली सरकारी मदद प्यारे खान ने, आज एक बड़े ट्रांसपोर्टर है। उनके पास 300 ट्रकें हैं। 400 करोड़ कीमत की कंपनी के मालिक प्यारे करीब 2000 ट्रकों के नेटवर्क का मैनेज करते हैं, जिसके दफ्तर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उन्होंने सरकार से भी कोई मदद नहीं ली और सारा खर्च खुद ही वहन कर रहे हैं। वह इसे रमजान के पवित्र महीने के दौरान जकात या दान के तौर पर मानते हैं। प्यारे अभी तक नागपुर सहित अन्य जगहों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रायपुर, भिलाई, राउरकेला जैसी जगहों पर सप्लाई करा चुके हैं। उनकी इस पहले में एम्स सहित अन्य अस्पतालों में 50 लाख रुपए की कीमत के 116 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स शामिल है। नागपुर के हीरो बनकर उभरे प्यारे खान के पिता ताजबाग इलाके के झोपड़ियों में रहते थे। प्यारे ने 1995 में नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने संतरे बेचने से अपने धंधे की शुरुआत की थी। वह ऑटो रिक्शा चलाने के साथ ही ऑर्केस्ट्रा कंपनी में भी काम कर चुके हैं। मेहनत के बल पर आज 400 करोड़ रुपए की कीमत की ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक प्यारे खान की सक्सेस स्टोरी IIM अहमदाबाद में केस स्टडी है। तराई तराई हो रहा था चारों तरफ, अगर देखेंगे आप, लोग मर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो हम इसको कैसा लेके आ सकते हैं। तो बेंगलोर की कंपनी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इंडिया की सारी कंपनियों से, मेरा लॉजिस्टिक का पैन इंडिया मेरे ऑफिसेस है, तो इस कारण मुझे टैंकर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और वो टैंकर मैंने 4 गुना दाम से उनसे ख़रीदा, क्योंकि मैं नागपुरियन होने के कारण मेरा नागपुर के प्रति भी कुछ फ़र्ज है। तो ऐसे एक भिलाई से और एक बेल्लारी से ऐसे 2 टैंकर बुला के मैंने दिए, तो उससे नागपुर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आई। उसके बाद साहब ने मुझे बुलाया, साहब ने मुझसे कहा कि भाई आप ये पूरा ऑक्सीजन का नागपुर का आप ही संभालोगे, और साहब ने मेरी बहुत मदद की।